दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार त्रिपाठी। हम हर दिन विज्ञान की नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी जीवनचर्या, अपना जीवन आसान बनाते जा रहे हैं। हमारे जीवनचर्या का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां विज्ञान की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होगा। एक अफ्रीका में बैठा आदमी एक ऑस्ट्रेलिया के आदमी से चंद लम्हों में बात कर सकता है, विज्ञान की देन है। एक इंडिया का आदमी एक दुबई के आदमी से चंद लम्हों में संपर्क साध सकता है, यह विज्ञान की देन है। हम बड़े बड़े देशों की दूरी, मीलों की दूरी चंद लम्हों में तय कर लेते हैं, यह विज्ञान की देन है। हमारे जीवनचर्या में, हमारे जीवन में हर जगह विज्ञान शामिल है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में, जिनकी मानसिकता वैज्ञानिक नहीं है। उनकी जीवनचर्या में विज्ञान तो शामिल है मगर उनकी मानसिकता में विज्ञान शामिल नहीं है, उनकी वैज्ञानिक सोच आज तक नहीं हो पाई है। दोस्तों पटना में पिछले दिनों एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती बीवी की इसलिए हत्या करवा दी ताकि उसे शक था कि उसे इस बार भी बेटी पैदा होगी, और वो बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी करना चाहता था। दोस्तों आज आइए जानते हैं इसी चीज के बारे में, इसी कारण के बारे में कि किसी व्यक्ति को वाकई में लड़का होगा या लड़की, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके लिए पत्नी जिम्मेवार है या फिर पति जिम्मेवार है या फिर दोनों जिम्मेवार है। इसी तमाम पहलुओं के बारे में जानेंगे, इसी के पीछे के वैज्ञानिक तथ्य को आज हम समझेंगे। किसी भी नॉर्मल इंसान के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर जोड़े में गिना जाए तो 23 जोड़े यानी 23 पेयर, जिन्हें XX और XY से दर्शाया जाता है। 23 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों में XX से दर्शाया जाता है। 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और यह स्त्री में XX होता है परंतु पुरुष में XY होता है। जब कोई पुरुष या स्त्री इंटरकोर्स करते हैं, या आम भाषा में कहें कि सेक्स करते हैं, तो पुरुष स्त्री के वेजाइना में स्पर्म डोनेट करता है, और उस स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स। अब स्त्री का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है और पुरुष का XY होता है। अब जब पुरुष स्पर्म के सहारे सेक्स क्रोमोसोम डोनेट करता है तब XY में से कोई एक डोनेट करता है, और स्त्री अपने दोनों XX में से एक एक्स डोनेट करती है। पुरुष अगर एक्स डोनेट करेगा तो स्त्री के एक एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा यानी मिलेगा, और स्त्री के गर्भ में फीमेल बच्चा होगा। पुरुष अगर वाई क्रोमोसोम डोनेट करेगा तो स्त्री के एक्स के साथ वो फर्टिलाइज होगा और स्त्री के गर्भ में मेल बच्चा यानी लड़का पलेगा। अब लड़का हो या लड़की, दोनों स्थिति में स्त्री का एक्स क्रोमोसोम होता है, परंतु पुरुष अगर एक्स देगा तो लड़की जनेगी और वाई देगा तो लड़का जनेगा। इसलिए किसी को लड़का होगा या लड़की, इसके लिए स्त्री जिम्मेवार नहीं होती है, इसके लिए पुरुष जिम्मेवार होते हैं। इसलिए दोस्तों समाज में यह एक अंधविश्वास है कि किसी को लड़का जनेगा या लड़की, इसके लिए स्त्रियां जिम्मेवार होती है। और कई जगह आप देखेंगे भी कि हमारे समाज में लड़कियों को ही दोषी ठहराया जाता है, स्त्रियों को ही दोषी ठहराया जाता है कि उन्हें लड़का हुआ या लड़की। दोस्तों इस मानसिकता के खिलाफ समाज में आप बोलिए, आवाज उठाइए और इस वैज्ञानिक तथ्य को सबके सामने रखिए ताकि हमारे समाज से यह एक अंधविश्वास दूर हो सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।